हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि नेतरहाट विद्यालय का फॉर्म कौन बच्चा भर सकता है और कौन बच्चा नहीं भर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि जो भी जानकारी या जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आप सभी को समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड में जो नेतरहाट विद्यालय है उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है और ये आप अपना रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के माध्यम से शो करने वाले हो। ये पॉइंट नंबर वन था। पॉइंट नंबर टू में हम बात करने वाले हैं कि एज लिमिट के बारे में। यदि कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है अगर उसका एज 10 साल से कम है और 12 साल से ज़्यादा है तो वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आप अप्लाई करते भी हो तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होने वाला है। इसलिए अगर आप 10 साल से छोटे हो और 12 साल से बड़े हो तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री में बात करने वाले हैं और उसमें है यदि आप झारखंड के निवासी हो, आपका एज भी ठीक ठाक है और आप चाहते हो कि एडमिशन करवाना या तो फॉर्म अप्लाई करना, तो उसके लिए आपको अपना आरक्षण अगर आपको चाहिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना आपको चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा और उसका नीड भी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर थ्री में था। अब पॉइंट नंबर फोर में अगर हम बात करेंगे तो आपको जो स्टूडेंट होगा, जो कैंडिडेट्स होगा वो फिफ्थ पास होना ही चाहिए। जो कैंडिडेट्स होंगे उसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम वो फिफ्थ पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उस समय आपको फिफ्थ पास सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाएगा और आपको शो करना ही पड़ेगा। अगर इनकेस आप किसी कारणवश शो नहीं कर पाते हो तो आपका फॉर्म 110% रिजेक्ट होने वाला है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और जैसे कि मैंने बताया, केवल ये फॉर्म झारखंड का स्थानीय निवासी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो होंगे वो झारखंड के कैंडिडेट्स ही होने चाहिए। अगर आप झारखंड के अलावे अदर स्टेट से हो तो 110% मैं सिक्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैंने शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया, आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।